खरमास उतरने के साथ ही बिहार में सत्ता परिवर्तन फिर से देखने को मिलेगा। जी हां, बिहार में खरमास का इंतजार हो रहा है। जैसे ही खरमास उतरेगा, नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में नए चेहरे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं मंत्री को लेकर के। वही चर्चा अब ये है कि बिहार में एक बार फिर से, जब एनडीए की सरकार थी तब दो डिप्टी सीएम थे, एक बार फिर से बिहार में नीतीश कैबिनेट में, महागठबंधन की सरकार में दो उप मुख्यमंत्री देखने को मिल सकते हैं। और ये कोई और उप मुख्यमंत्री नहीं होगा बल्कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ऐसी खबरें बिहार के राजनीति गलियारे में चलनी शुरू हो गई है। खरमास उतरने के साथ ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और इस नीतीश कैबिनेट के विस्तार में तीन नए मंत्री पद के चेहरे देखने को मिलेंगे। वही चर्चा ये भी है कि कांग्रेस ने नीतीश कैबिनेट के गठन से पहले दो सीटें, दो मंत्री पद मांग कर राजनीति को गर्मा दिया है। वही जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। वर्तमान में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। एनडीए के शासनकाल में मुख्यमंत्री के अलावा दो दो डिप्टी सीएम थे। उसी आधार पर चर्चा है कि महागठबंधन इसके सरकार में भी दो दो डिप्टी सीएम होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अब तक नीतीश कैबिनेट में शामिल होने की बात को खारिज कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले को मुख्यमंत्री पर छोड़ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी उप मुख्यमंत्री की लालसा जरूर है। बिहार में इस बात का भी चर्चा है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाने की भी खूब चर्चा हो रही है। जब आज इस मामले पर उपेंद्र कुशवाहा से बीते दिनों पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सन्यासी ना हूँ, ना कोई मठ में बैठा हूँ, मुझे उपमंत्री बनाए जाने की चर्चा सुनकर अच्छा लग रहा है। मैं अपनी ओर से उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ना तो आकांक्षी हूँ और ना ही परेशान भी हूँ। इस विषय पर निर्णय सीएम नीतीश कुमार का काम है, वही निर्णय लेंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपनी ओर से हम मंत्री या उपमंत्री का कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। इन विषय का पर निर्णय लेना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम है। यदि सरकार का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में किसे लाना है और किसे नहीं लाना है, यह फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। इस बातों पर बहुत चर्चा हो इसकी भी जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनने के लिए परेशान हूँ। फिलहाल मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। उधर राजद विधायक सुधाकर सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि खरमास बाद उन पर पार्टी के स्तर से कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से बिहार में खरमास के बाद सरकार बदलेगी, सरकार नई सरकार का विस्तार होगा, नए मंत्रिमंडल बनाए जाएंगे और नए मंत्रियों का चेहरा आपको देखने के लिए मिल सकता है।